हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 9 जनवरी को TCS ने अपने Q3 के रिज़ल्ट शो किए हैं। आइए पहले हम ये बता दें कि TCS ने 75 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसमें 8 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है और 67 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड है। आइए देखते हैं कंपनी के कंसोलिडेट रिज़ल्ट। रिज़ल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में क्वार्टरली थोड़ा बहुत ग्रोथ आया है, पर ईयरली में अच्छा खासा ग्रोथ आया है रेवेन्यू का। एक्सपेंस की बात की जाए तो दोनों में ही बड़ा ग्रोथ देखा गया है। अब रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकालने के बाद हमारे पास बचता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में हम देखें तो क्वार्टरली में थोड़ा बहुत ग्रोथ है, पर ईयरली में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट की तो ऐसी कोई बात नहीं है, IT कंपनी है, प्रॉफिट ज़रूर होगा इस कंपनी को। आइए EPS की बात करते हैं। EPS भी अच्छा ग्रोथ में चल रहा है क्वार्टरली और ईयरली में। तो कंपनी ने प्रेस में कुछ हाईलाइट अपने रिजल्ट में जो शो करने हैं वो यहाँ बता रखे हैं, इनको भी एक बारी देख लेते हैं। रेवेन्यू में 19% की ग्रोथ दिखाई दी है ईयर ऑन ईयर में। इनकी ऑर्डर बुक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी हल्का सा फर्क आया है, यानी कि बड़ा है वो। और नेट इनकम देखा जाए तो ईयरली में 11% की इनकम ग्रोथ है और कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। खासकर बात तो ये कि कंपनी ने 75 रुपीज़ का भी डिविडेंड दिया है। तो मेरी तरफ से कंपनी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। यहाँ की ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इस कंपनी में डरने की कोई बात नहीं है, अगर ये नीचे भी आए तो उसमें भी बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही रिज़ल्ट की वीडियोस आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। थैंक यू।